मेरी थोड़ी सारे अगे इको ही रिक्वेस्ट हैगी है कि थोड़े घरां दे विच वी जो फालतू कपड़े थोड़े थोड़े भी पए है ना, थोड़ा थोड़ा योगदान इकट्ठा करके एक कहिंदे ना एक वड्डी सारी साडी हैल्प बन जूगी। सो कहिंदे ना कपड़े समेटन की घर रखन की बजाय जिस कपड़ों की सानू जरूरत भी है नहीं है ना, तो आप इस तरह ही मतलब बैगों के भर के रख लें या स्टोर रूम के रख लें। तो अज सवेरे मैं यही सोचा, मैं क्या जे मैं ब्लॉग शुरू करता तो या मैं कोई होर काम किया तो यह मेरा काम रह जूगा। 2 घंटे लगा के मैं स्टोर रूम दे विच्चों वह मतलब कपड़े कढ़े, क्योंकि मैं सारा साल पूरा साल इस तरह ही कपड़े कट्ठे करती हाँ और बोरिया दे विच पैक करके रख लें। और जो किसी कहें सीजन ऑफ होने या सीजन शुरू होने, हूँ जिमें सर्दियों का सीजन हजे तो ठंड इन्नी आई नहीं हैगी है ना, कहें ठुर ठुर वाली ठंड है। सो कहें नवे साल तो पहला पहला किसी गरीब की हैल्प करिए है ना। कहें ना जरूरी नहीं होंगे कि पैसों ना ही हैल्प करनी है, पैसों के नाल लोग नशे करने शुरू कर देंगे है। सो कपड़े दो उन्होंने बच्चों के और उन्होंने काम आने, जिन्हों को कंबल नहीं है उपर लैन, जिन्हों को मेरे वीर मेरे भैन को कंबल पे है उन्होंने कंबल दे के आओ है ना। सो ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली हैगी है, हजे तो आप ठंड ठंड करते हैं पर दिन के कई बार मौसम चेंज हो जाता है, कई बार गर्मी आने लग जाती है क्योंकि आप काम करते हैं, तो जे आप थोड़ी देर रजाई दे विच बैठ जाइए तो इको दम आपां नूं ठंड लगन लग जाती है। सो थोड़े सारे अगे दिल तो रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा थोड़ा कहिंदे ना योगदान थोड़ा थोड़ा हिस्सा इकट्ठा करके किसी गरीब की हैल्प करो, जिहड़े झुग्गी झोंपड़ियां दे विच बैठे है, जिन्हों को उपर लैन नूं कंबल नहीं है, जिन्हों को गर्म कपड़े है नहीं क्योंकि उन्हों को इन्नी जगह ही नहीं होंगी हैगी है ना। तो ओके जी, बाय बाय, इस वीडियो का आप एंड इत्थे करांगे। जे मेरी गल थोनू चंगी लगी तो मैनू तुसी जरूर मैसेज करके दस्यो कि मेरी सोच किस तरह की हैगी है। जे मेरी सोच से थोनू मतलब कहिंदे ना खुशी होंदी है सुन के, तो मैनू तुसी जरूर दस्यो थोड़ी मतलब कहिंदे ना एक मैसेज दे नाल मेरा भी दिल खुश हो जूगा। ओके जी, बाय बाय, मेरी वीडियो पसंद आई तो तुसी मैनू वो भी दस्यो। बाय बाय।